फ्रेंड्स वेलकम टू प्रम क्लासेस चैनल। फ्रेंड्स आई विल आस्क यू ए सिंपल क्वेश्चन बिफोर स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स आई आस्क यू दैट इफ यू गो टू योर डॉक्टर एंड ही ट्रीटेड योर स्टोमक इंस्टेड ऑफ हेडेक विल यू लाइक नेवर, बट इफ यू आर्ग्यू विद योर डॉक्टर द डॉक्टर विल से डॉक्टर इज ही और यू। फ्रेंड्स टूडेज क्लास और टूडेज मास कम्युनिकेशन थ्योरी इज बेस्ड ऑन सेम टॉपिक एंड दैट इज हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी और मैजिक बुलेट थ्योरी। फ्रेंड्स दिस थ्योरी वॉज फॉर्मुलेटेड बाय हेरल्ड डी लॉसवेल हु वॉज द फादर ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल। ही सेड दैट कम्युनिकेशन इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप और पॉइंट ऑफ मास कम्युनिकेशन। इफ फ्रेंड्स यू आस्क हाउ, बिकॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल द आइडिया केम इन द माइंड ऑफ कम्युनिकेटर एंड बुलेट थ्योरी सेज दैट कम्युनिकेटर और ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज हैड पावर ऑफ मैनिपुलेटेड द इंटेंडेड रिसीवर्स परसेप्शन। फ्रेंड्स यू विल थिंक और यू विल आस्क दैट इज इट पॉसिबल इन टूडेज वर्ल्ड, देयर आर मेनी व्यूज एंड वन व्यू इन दैट यस इट इज पॉसिबल बिकॉज वी एक्ट वी हैबिचुअल एज अवर फेवरेट हीरो और फेवरेट कैरेक्टर। लाइक एक्स हीरो इज योर फेवरेट, एवरी टाइम यू विल सी और यू विल गो एट द थिएटर व्हेन हिज मूवी इज शोन देयर, दैट इज मैजिक बुलेट थ्योरी, दैट इज हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी। फ्रेंड्स दैट इज नॉट समथिंग दैट देर आर मेनी व्यूज, देर आर मेनी थिंग्स। यू एक्ट लाइक योर हीरो, यू स्पीक लाइक योर पेरेंट्स, यू ट्राई टू बी योर पेरेंट्स, यू ट्राई टू बी योर हीरो, यू आर ट्राई टू बी एन योर आइडियल, यू want to be a favorite student of your teacher, because teacher is going to change your mind, change your life. Friends, but many times that is wrong, because if doctor is not right and you argue with him, because sometimes the medicines are not useful to you, because that medicine can harmful for you, so you will ask to doctor to change the medicine or syringe or needle, then doctor will be annoyed and say that where you come to me if you know your treatment. Friends, today is the word of freedom. Every can argue on the topic in positive or negative thought. Friends, this theory said that communicator is overall, all thing. But friends, I said you in my prior video that if there is not receiver, what means of communicator? To whom he will communicate? Friends, we will know this story in Hindi also. Friends, दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये जादुई सुई की थ्योरी है ना, या मैजिक बुलेट बंदूक की गोली की थ्योरी है, वो क्या कहती है कि यदि आप अपने डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर आपके सर दर्द की जगह पेट दर्द का इलाज करेगा तो आप क्या कहोगे?
कि डॉक्टर साहब कैसी बात कर रहे हैं आप, मेरे सर दर्द हो रहा है सर में और आप इलाज कर रहे हो पेट का, ये कैसे हो सकता है? तो डॉक्टर पता क्या कहेगा, डॉक्टर तू है या मैम, तू मेरे पास आए क्यों जब तेरे को पता है? तो दोस्तों लेकिन बोलना जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है एलर्जिक होती है, कई दवाइयों से आपको एलर्जी हो सकती है, तो आपको डॉक्टर को बोलने का अधिकार है कि डॉक्टर साहब मेरे को इससे एलर्जी है, डॉक्टर साहब आप ये गलत चीज कर रहे हैं, तो आप मेरे को, क्योंकि आज का युग क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, आपको इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है कि डॉक्टर साहब या डॉक्टर क्या इससे मेरे जो है फिजिकली या मेंटली कोई बैड इफेक्ट तो नहीं होगा, क्या ये मेरे को दुष्प्रभाव तो नहीं डालेगी, क्या ये कोई एलर्जिक तो नहीं है, या ये कोई मेरे को वो तो मतलब दूसरा इफेक्ट तो नहीं डाल देगी, या मेरे रोग तो बढ़ा तो नहीं देगी। दोस्तों ऐसा ही, इसको नाम पता है बुलेट थ्योरी क्यों दिया गया, बुलेट थ्योरी क्यों दिया गया, क्योंकि 1927 में ये थ्योरी आई और उस टाइम एक जो निशानेबाज था उसको ये कहा गया कि उस बंदे को गोली मारनी है, किसी को कहा गया, लेकिन उसने क्या किया, गलती से किसी और को निशाना बनाने लग गया। तो जिसने उसको कहा था या जिसने हायर किया था उसने कहा कि भैया वो है, उसने बंदूक छोड़ दी और बस तू मार ले गोली। तो क्या हुआ, मैजिक बुलेट थ्योरी, बोला मेरे को पता है ना किसको मारनी है गोली, फिर मेरे को हायर ही क्यों किया जब तेरे को करना था। तो फ्रेंड्स ये थ्योरी कब आई, एक क्वेश्चन और आ गया आपके सामने 1927 में, और कौन लाया, हेरोल्ड लॉसवेल। फ्रेंड्स हेरोल्ड लॉसवेल ही वह प्रथम व्यक्ति थे या समाजशास्त्री थे जिन्होंने कम्युनिकेशन का मॉडल भी दिया, और उन्होंने ही कहा कि फर्स्ट स्टेप या पहला पड़ाव कौन सा है, कम्युनिकेटर और ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज, जो कि मैसेज को आगे कन्वे करता है। क्योंकि दोस्तों यदि कम्युनिकेटर नहीं हुआ तो आगे प्रोसेस होगी नहीं। लेकिन दोस्तों यह भी कहना कि रिसीवर या प्रापक का कोई महत्व नहीं है तो यह उतना ही बेबुनियादी है जितना कि हम बिना रक्त के शरीर की कल्पना करें। दोस्तों कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा यदि कम्युनिकेटर अकेला हुआ तो क्या करेगा, वो रोड पे जाता जा रहा है कोई व्यक्ति, है ना, कोई अपने आप से बातें करता जा रहा है तो क्या होगा, आप क्या समझेंगे ये पागल जा रहा है कोई, क्योंकि वो खुद से बातें कर रहा है। यदि कोई प्रापक नहीं होगा या रिसीवर नहीं होगा तो क्या करेगा, पागल हो जाएगा, पगला जाएगा, क्योंकि उसके बाद ज्ञान का भंडार तो है लेकिन कहे किससे, तो रिसीवर को कहेगा। तो रिसीवर के काम का है या नहीं है उसे कब पता लगेगा, जब वो फीडबैक देगा। लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है, इसकी लिमिटेशंस मेन क्या है, इसकी लिमिटेशंस मेन ये है कि अहम ब्रह्मास्मि। कम्युनिकेटर क्या कहता है, मुझे सब कुछ आता है, मैं ही हूं जो सब कुछ हूं, मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु, मैं ही महादेव हूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि वह रिसीवर भी अपना महत्व रखता है जिसको कि आप अपना मैसेज देना चाहते हैं। दोस्तों उसको काम का ही नहीं हुआ मैसेज है वो, मेरे को पढ़ाना मास कम्युनिकेशन है, राइट, और आप पढ़ना चाहते हैं जर्नलिज्म, इज दैट इंपॉर्टेंट और इज दैट लाइबल, नो, देन यू विल आर्ग्यू विद मी, सर व्हाट डू यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू से, फ्रेंड्स दैट इज हाइपोटेनमेंट मिडल थ्योरी। फ्रेंड्स टूडे यू नो व्हाट इज द हाइपोडर्मिक नीडल और मैजिक बुलेट थ्योरी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में तीन क्वेश्चन आपको नए मिल गए हैं, हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, मैजिक बुलेट थ्योरी है, इसका जन्मदाता कौन है थ्योरी का बताइए, हेरोल्ड लॉसवेल, कब हुआ इसका जन्म 1927 में, और हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी क्या कहती है, इसका महत्वपूर्ण स्टेप कौन सा है, कौन है, कम्युनिकेटर, ओरिजिनेटर और गेटकीपर। तो दोस्तों आज थी हमारी ये इंपॉर्टेंट थ्योरी। दोस्तों इससे रिलेटेड सवाल जो मैंने आज बताए हैं इसके अंदर, इसको आप लिख के रख लीजिए, यदि आपके सीयूईटी में, आपके यूजीसी नेट में, एनटीए नेट में, या पीआरओ में जो अभी आरपीएससी के फॉर्म निकले हैं, या बीजेएमसी एमजीएमसी के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं पूछा जाए तो मेरे को बता दीजिएगा। और आपको जो भी टॉपिक पूछना है ना कि सर ये सीयूटी का सिलेबस है इसमें से ये टॉपिक बता दीजिए, तो दोस्तों परम क्लासेस पूरी
कोशिश करेगा कि आपको वही टॉपिक सरल और आपके शब्दों में आपके सामने रखे। तब तक के लिए देखते रहिएगा हर चैनल का हर वीडियो, हमारे चैनल का हर वीडियो जिसमें कि अलग अलग थ्योरी के बारे में बताया जाता है और कई क्वेश्चन भी उसमें पुट अप किया जाते हैं दोस्तों। तब तक देखते रहिएगा और लगातार देखते रहिएगा, लेकिन साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ना सब्सक्राइब करना, तभी तो आप हमसे